ना गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और हो सकता है कि सब घर पे हो मतलब स्वस्थ हो है और आज का सेशन काफी अच्छा था अगर न्यू पर्सन के लिए अगर मैं बात करूं तो काफी ही मतलब ऐसा लगा मुझे जो फील हुआ कि अगर मैं अगर नया पर्सन भी होता तो मैं हाईली पॉजिटिव होता और हाईली मोटिवेट होता कि यार ये इतना जबरदस्त सिस्टम हमें करने को मिल रहा है मौका मिल रहा है सो so, बाकी काफी कुछ आपने हुसन से सीखा होगा मैं आपको थोड़ा थोड़ सा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ा सा कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हेल्प करें क्योंकि मेरा लगभग छह साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का और उससे दो साल पहले मेरा मतलब सेल्स लाइन में मतलब एक्सपीरियंस है सो so, जो भी टोटल मेरा एक्सपीरियंस होगा जो भी मैंने लाइफ में देखा है है ना कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं कहाँ पे क्या वो सारा कुछ मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूंगा जो भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है कहीं ना कहीं वो एफर्ट तो करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक दो परसेंट चीजें वो मिस कर देते हैं जिनके कारण उनके जो एफर्ट्स हैं उनकी जो मेहनत है वो रंग नहीं ला पाती तो उनके बारे आज हम चर्चा करेंगे उनके बारे थोड़ा सा तो, मतलब हम बात करेंगे जो आवाज सभी को मेरी क्लियर आ रही है क्लियर है। ओके okay. सो so, जितने भी लोग आज सेशन अटेंड कर रहे हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि सारे फुली फोकस होके और अपना जो मतलब मेंटली जो है वो सारा मतलब एक तरह से अपना दिमाग को खाली करके बैठे और खाली करके सुने क्योंकि कई लोग होता क्या है कि कई लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं लेकिन उनके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा होता है कि यार मुझे सब कुछ पता है मुझे बताने की क्या जरूरत है मैंने तो ये मुझे ये चीजें पता है तो ऐसा मैं बताना चाहूंगा कि अपना चाहे आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वट कुछ भी एक्सपीरियंस है जब भी लाइफ में आपको कहीं भी किसी से भी ट्रेनिंग लगाने का मौका मिले चाहे एक एक बच्चे से, एक छोटे बच्चे से से चाहे छोटे भी ट्रेनिंग लगाने का मौका मिले तो हमें ओपन माइंड होके समझना ओपन माइंड होके सुनना है ठीक है जी तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छह साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का तो काफी उतार चढ़ाव देखे कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने काम किया है और मैंने मतलब काफी दो तीन हफ्ते पहले एक Uh, सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और यूट्यूब पे उसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा जिन लोगों ने देखना वो देख भी सकते हैं सो so, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि अगर एफ एस शुरू कर भी ली है तो सी एफ एस शुरू करने में ऐसे कौन से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे ग्रो करने में ठीक है जी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस शुरू करने से पहले अब आपने एक्साइटमेंट में या फिर आपने किसी की अर्निंग देख के ये बिजनेस शुरू किया है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर इस बिजनेस को लालच में शुरू कर रहे हैं ना या किसी की अर्निंग देख के शुरू कर रहे हैं यार इसको पैसा आ रहा है मुझे भी पैसा आएगा तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप यहाँ पे ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे आपको इस सी एफ एस में आने का एक सॉलिड रीजन चाहिए आपको ये काम करना क्यों है आप किसी को देख ज्वाइन कर लेंगे लेकिन महीने बाद फिर आप डीमोटिवेट हो US, मुझे क्राउड फंडिंग ही करनी है मार्केट में और भी बहुत सारे काम है जॉब है बिजनेस है नौकरी है मैं वो सारा काम छोड़ के मैं ये काम क्यों करूं तो आपको एक रीजन आज अपना एक सॉलिड रीजन होना चाहिए आपका ये काम करने के लिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने जब हम काम करते हैं तो हमें नेगेटिव चीजें बहुत सारी मिलती हैं और वो नेगेटिव चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें आप कह लो कि नाइनटी परसेंट लोग वो नेगेटिव चीजों से डर के ही नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग क्विट करने का रीजन ये होता है लोगों का कई जो हमने देखा कई तो कंपनीज में चलो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कई लोगों का रीजन ये होता है कि वो नेगेटिविटी को फेस नहीं कर पाते क्यों क्योंकि उनका एक सोलिड रीजन नहीं होता तो आज मैं सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप अगर यहाँ पे आ चुके हैं आपने डोनेशन दे चुकी है आप एक्टिव हो चुके हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं हमारे साथ तो सबसे पहले आप एक विजन बोर्ड तैयार करें एक विजन बोर्ड ऐसा आपका होना चाहिए जो जिसमें आपका एक या दो साल की प्रॉपर प्लानिंग हो कि आप एक या दो साल बाद क्या लेना चाहते हैं कितनी इनकम लेना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं है ना जो भी आपका वट जो भी एक ड्रीम हो हर छह महीने बाद आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कितनी सेविंग होनी चाहिए कितनी अर्निंग होनी चाहिए वो सभी का सभी आप अपना एक विजन बोर्ड तैयार करें अगर जिनके पास नहीं है और हाँ कई लोग इसको सुनते हैं और इग्नोर करते हैं कि यार विजन बोर्ड जरूरी नहीं है काम करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में विजन बोर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा अगर आप विजन बोर्ड नहीं बना सकते तो एक ऐसा कोई चार्ट बना लें, जिस जिसपे आप अपनी या फिर एक कोई ऐसी डायरी या फिर कोई जो बड़ी ड्राइंग बुक आपने देखी होगी वो बना लें जिसमें आप अपनी जो भी ड्रीम चीजें हैं वो लिखें अपनी ड्रीम इनकम लिखें अपने ड्रीम कार लिखें ड्रीम हाउस की फोटो मतलब वट जो भी आपको अच्छा लगता है फिर बार बार आप उसको देखें

काम के लिए हमें सेल्फ मोटिवेट रहना है तो सेल्फ मोटिवेशन आपको कहां से आएगी आपका विजन बोर्ड देखकर जब आप सुबह उठ के अपना विजन बोर्ड देखेंगे तो आपको अपनी जब आप अपने ड्रीम्स को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि यार मेरे ड्रीम्स से पूरे होंगे जिस यार्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप विजन बोर्ड तैयार करें मैं तो सभी को एक चीज जो भी नए हैं जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है सो विजन बोर्ड आज ही तैयार करें और जिन्होंने भी तैयार कर लिया हो जा करेंगे तो वो ग्रुप में ना पिक्स जरूर डालें तो इससे हमें भी क्लैरिटी होगी कि किन किन लोगों ने विजन बोर्ड बना लिया है और किन किन लोगों ने विजन बोर्ड अभी नहीं बनाया है और किन किन लोगों के कैसे कैसे ड्रीम है कोई छोटा मोटा ड्रीम तो नहीं लेके आया हमारे साथ यार मुझे यहाँ से मोटरसाइकिल लेनी है है ना तो ड्रीम भी आप, आपका डिसाइड करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप अगर इस बिजनेस में आ गए हैं तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट करते रहे सिर्फ दस बंदों की लिस्ट ना बनाएं कि यार दस बंदे ही मेरे इस लिस्ट में हैं मैं मोटिवेटेड हूँ और हम एक दिमाग में विचार बना लेते हैं हम हम ना एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि ये दस के दस लोग ज्वाइन करेंगे मेरा काम चलेगा सपोज करें आपके वो दस लोगों ने काम नहीं किया स्पोस करके देखें, आपके दस लोगों ने काम नहीं किया डिमोटिवेट तो हो जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप रिक्रूटमेंट के ऊपर काम करें रिक्रूटमेंट मतलब प्लान देते रहें लोगों को बताते रहें कोई काम करे या ना करे आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपका काम है सिर्फ लोगों को मैक्सिमम प्लान देते रहना लोग कहते हैं जी मैंने दस लोगों को प्लान दिया सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया यार कोई बात नहीं रिस्पॉन्स मैं कहता हूँ बीस को दे दो तब भी कोई रिस्पॉन्स आया कोई बात नहीं क्या इंडिया की पॉपुलेशन कम हो सकती है या क्या इंडिया में सिर्फ बीस लोग ही इंटरनेट या मोबाइल यूज करते हैं आप समझ सकते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है ना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सो so, यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करते रहे करते रहे करते रहे सो दो सो बस ये मत सोचें कहते हैं ना फल की इच्छा मत करो कर्म करो फल की तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप बस क्या करें एक डायरी बनाए और उसमें लिस्ट बनाते रहे और टिक करते रहे तो पचास लोगों को प्लान दे दिया है तो ऑटोमेटिकली उसमें से पांच सात या दस लोगों की ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग डल जाती है किसी की पंद्रह भी डल सकती है किसी की बीस भी डल सकती है सो काम करें रिक्रूटमेंट के ऊपर ठीक है जी उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि कई लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं है ना वो विजन बोर्ड भी बनाते हैं रिक्रूटमेंट भी अच्छी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी पर्सन की ना कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है हर एक लाइफ में हर एक पर्सन की कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम हर एक पर्सन की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हर पर्सन को ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है ना सपोज करें आपके साथ आप सबके साथ हुआ होगा कि हम कुछ भी काम करते हैं या तो कोई भी आपके साथ इस बिजनेस में आएगा वो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स आपको गिनाएगा ये मेरी ये प्रॉब्लम है मेरी वो प्रॉब्लम है या आप भी इस बिजनेस में आ जाएंगे आपकी अपलाइन बोलता है आप काम क्यों नहीं कर रहे तो हर पर्सन आपको अपनी प्रॉब्लम्स गिनाएगा तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ अगर आपको सक्सेस लेनी है पैसा कमाना है एक्चुअल में तो आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ को है ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कभी मिक्स नहीं करना करके देखें आज मेरे घर के हालात तो बहुत माड़े हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के हालात तो इतने माड़े हैं कि मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं है कोई कुछ नहीं है खाने तक की रोटी नहीं है ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ मैं लोगों को रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम मैं कभी उनके साथ थोड़े शेयर करूंगा आप सोच के देखें अगर आप अपनी प्रॉब्लम प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स कर देंगे तो आपका काम कभी नहीं चलेगा और आप उस प्रॉब्लम में और भी ज्यादा डूबते जाएंगे जैसे एक दलदल होती है ठीक है जी तो यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर देते हैं आज आपकी जो भी वट आपकी जो भी पर्सनल लाइफ है आप उसको पर्सनल ही रहने दे उसको कभी भी अपने काम के साथ मिक्स मत करें आज अगर आपको एक चीज पता है कि अगर 12 बजे मीटिंग होती है या साढ़े बारह मीटिंग होती है तो साढ़े बारह ही मीटिंग होती है अगर साढ़े बारह आपके कोई चाचा फूफा जी आ गए हैं, तो सॉरी टू से पर आप मीटिंग में होने चाहिए ठीक है तो कई लोग यहाँ पे क्या कह कहते हैं जी मेरे चाचा जी आ गए हैं मैं तो जी उनको लेने जाऊंगा या फिर मैं सिलेंडर लेने जा रहा हूँ या राशन लेने जा रहा हूँ तो अगर आप राशन या सिलेंडर ही भराते रहेंगे तो आप या फिर किसी को लेने जा रहे हैं छोड़ने जा रहे हैं तो फिर आप एक तरह से ना रिक्शे वाले हम हम बन जाते हैं वहां पे रिक्शे वाले या ऑटो वाले क्या लेके आ रहे हैं छोड़ के आ रहे हैं इससे हमारा कभी करियर बिल्ड नहीं हो पाएगा तो आपको सबसे पहला फोकस अपना करियर पे देना है बाकी के काम चाहे आप मीटिंग के बाद रख लें या काम के बाद रख लें ठीक है तो अपनी कभी भी अपनी अपलाइन को कि सर मैं ना जी ये नहीं कर पाया मैं उससे नहीं कर पाया क्योंकि हमारे घर में ये हो गया था हमारे घर में वो हो गया था ठीक है जी और मैक्सिमम प्रैक्टिस के ऊपर काम करें कहते हैं जी प्रैक्टिस मेक्स यू चैंपियन आपको चैंपियन बनाती है आपकी प्रैक्टिस है हाँ ना आप देखें लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है क्या सचिन तेंदुलकर ने जब बल्ला उठाया था तो क्या वो उसी टाइम मतलब सचिन तेंदुलकर बन गया था उसने जो वो प्रैक्टिस की है ना अपने आप को वो बनाने में जो आज हम उसको देखते हैं वो उसकी प्रैक्टिस का नतीजा है तो यहाँ पे लोग फेल होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते उनको लगता यार ये एक तरह का ना मतलब कोई छोटा मोटा काम है हम लोग चार लोगों को बताएंगे चल गया ठीक है, तो है। स्किल्स कहाँ से आएंगे स्किल्स ट्रेनिंग से आएंगे और सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे आपका जो काम करता है वो आपकी स्किल्स काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे वो छोटा प्लान हो चाहे बड़ा प्लान हो चाहे वट कोई भी काम हो नेटवर्क मार्केटिंग में

प्रोफेशन में जिनको दस दस पंद्रह पंद्रह साल हो गए हैं है, है ना लोग क्या कहते हैं जी यार वो बंदा इतना फलाना वो है वो वो उसका काम इतना बढ़िया चल रहा है यार वो अपने प्रोफेशन में उन्होंने उन्होंने क्या किया प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे हम एक महीना काम करके कहते हैं जी काम नहीं चल रहा नेगेटिव होके घर बैठ जाते हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा आपको मैक्सिमम मेक, प्रैक्टिस करनी है अगर मैं आपको बोलूँ की सो बंदों को आपने प्लान शो किया और सो के सो मना कर गए सो वट हमारी जेब से कोई पैसा तो नहीं गया या किसी को लगता है जी सौ बंदों को प्लान दिया तो यार सौ बंदों को प्लान देने के बाद मेरा बैंक अकाउंट है ना जो खाली हो गया सौ बंदों को आपने जो प्लान दिया ना उसमें क्यों क्योंकि आप सौ लोगों को प्लान दे दे इतनी ज्यादा आप ट्रेंड हो चुके हो ठीक है जी तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और सबसे पहले है ना उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी प्रायोरिटीज चूज करनी है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में हम चाहते क्या हैं लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज क्या बनाई हुई हैं फिर वो ब्लेम करते हैं अपनी अपलाइन को कि यार मेरी अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया ये वैसे है ये वैसे है आज आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है अगर आपकी लाइफ में सबसे पहले नंबर की प्रायोरिटी सक्सेस है ना मुझे काम करना है सक्सेसफुल बनना है तो आप तो ना कोई कभी बहाने नहीं लगाओगे आप ना टफ सिचुएशन में भी काम करने के आइडियाज ढूंढोगे मुझे काम कैसे करना है तो ये आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए लोगों की प्रायोरिटीज मैं आपको बताता हूँ कैसी होती हैं जो बहाने लगाते हैं लोगों की प्रायोरिटीज होती हैं आ, सबसे पहले हम पहले नंबर पे हम टीवी देखेंगे दूसरे नंबर पे हम सोशल साइट यूज करेंगे तीसरे नंबर पे हम वीडियो गेम खेलेंगे चौथे नंबर पे हम ये करेंगे पांचवें नंबर पे हम के हम घर के आलतू फालतू काम करेंगे छे में सातवे नंबर पे हम चलो थोड़ा बहुत क्राउड फंडिंग भी कर लेंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि जिन लोगों की ऐसी प्रायोरिटीज है क्या वो कामयाब हो सकते हैं और या वो नहीं दो या तीन महीने वो, तो वो ब्लेम नहीं, ये, ये नहीं, नहीं करेंगे तो आज आप क्या आप ये बनना चाहते हैं कि तीन महीने बाद आपके मुंह से भी यही वर्डिंग निकले कि सिस्टम बेकार था या अपलाइन बेकार थी तो आज अपनी सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करें सबसे पहले नंबर पे आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका काम होना चाहिए That's it. उसके बाद दूसरी बाकी था एस एम था, ए था। तो वहां पे जो मेरा बॉस था ना उस बॉस की अस्सी का हजार सैलरी थी सत्तर पता नहीं अस्सी हजार उसको दस साल का एक्सपीरियंस था उसी इंडस्ट्री में तो उस बॉस ने मुझे बोला के चलो वैसे बोलने नहीं चाहिए तो पर उस बॉस ने ना मुझे बोला कि हमारे ना उसमें हमारी टीम में एक और लड़का था तो उसने दो दिन वो आया नहीं। थी और में भी दिवाली का आगे रिश्तेदार मतलब ज्यादा क्लोज भी नहीं थे आगे रिश्तेदार के ना किसी की डेथ हो गई थी तो मैं वहां गया था तो मुझे उस दो दिन की छुट्टी चाहिए थी तो हमारे जो बॉस थे उन्होंने बोला कि जो आपका जाना इतना जरूरी नहीं था अगर आपके पेरेंट्स भी चल जाते मम्मी पापा या कोई भी चल जाता तो उनका जाना मतलब वो भी चल जाते तो भी चल जाता पर आपका जाना इतना जरूरी नहीं था है ना आ, कोई मेरी बात को मतलब गलत वे से मत लें पर उस न, उन्होंने एक चीज बोली कि काम से बढ़कर और कुछ भी चीज नहीं और उनकी बेटी की शादी थी आप बिलीव नहीं करेंगे बेटी की शादी के नेक्स्ट डे वो अपनी ड्यूटी पे थे वो कहते इससे बढ़कर कुछ नहीं है कहते काम है तो इज्जत है काम है तो रिस्पेक्ट है काम नहीं है पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है और ये आज के टाइम का फैक्ट है चाहे आप इसे माने चाहे ना माने अगर आपके जेब में चार पैसे हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे तो आज ही डिसाइड कर लें कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ क्या सेट करनी है लोगों की प्रायोरिटीज़ आज आपकी प्रायोरिटीज़ अगर यह है ना घूमना फिरना फालतू की बातें करना टाइम वेस्ट करना सोशल मीडिया पे घंटों घंटों तो वो सारी प्रायोरिटीज को हटा के अपनी पहले नंबर की प्रायोरिटी रखें बिजनेस और काम जब आप पहले नंबर की प्रायोरिटी रखोगे ना बिजनेस और काम तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आएंगे मुझे क्या करना है कैसे रिक्रूटमेंट करनी है कैसे लोगों को इनवाइट करना है कैसे प्लान शो करना है कैसे मीटिंग में आना है तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे ठीक है जी बी पॉजिटिव ऑलवेज डोंट थिंक नेगेटिव हर एक पर्सन देखो लाइफ में ना हर एक मतलब हम भी इंसान है आप भी इंसान है जो ट्रेनिंग लगा रहे सभी इंसान है हर एक इंसान पॉजिटिव भी होता है हर एक इंसान नेगेटिव भी होता है इंसान अगर मैं बोलूं जी मैं कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता हर बंदा हो जाता है नेगेटिव हम कोई भगवान तो है नहीं पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ नेगेटिव बंदा कहाँ होता है नेगेटिव बंदा तब होता है जब वो अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट करने की कोशिश ही नहीं करता अगर आप कह रहे हैं जी क्राउड फंडिंग बहुत बढ़िया है जी मुझे पता है यहाँ से पैसा कमाया जा सकते हैं फलाना टिंगाना मुझे ट्रेनिंग लगाने की जरूरत नहीं है मैं ट्रेनिंग नहीं लगाऊंगा मुझे सब कुछ आता है ये वो फलाना टिमकाना एक महीने बाद अगर आप ट्रेनिंग से नहीं जुड़े तो आप मोटिवेट होने की जगह डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे ये लाइफ का दस्तूर है है ना आपको एक चीज सुना होगा एक अंधेरे कमरे में जब हम बल्लब जलाएंगे तभी वहां पे रोशनी होगी अगर बल्लब बंद होगा तो वहां तो अंधेरा ही होगा ना तो सेम जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तो हम तो यार डीमोटिवेट ही रहेंगे हम तो नेगेटिव ही रहेंगे तो खुद को मोटिवेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो लोग कहते हैं जी यहाँ पे मोटिवेट किया जाता है तो मोटिवेशन में कोई बुराई तो नहीं है मोटिवेशन से ही तो काम चलता है मोटिवेशन एक स्पार्क का काम करती है जैसे इंजन को चलाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी स्पार्क चाहिए होती है बाकी जो काम करता है वो इंजन को चलाने के लिए फ्यूल करता है तो सेम चीज यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपको कामयाब होना है तो यहाँ पे आपको स्पार्क देने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरी है विदाउट सेल्फ गाड़ी नहीं चल सकती तो विदाउट मोटिवेशन आप भी यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते जो बाकी का फ्यूल आपको चलाएगा वो वो होता है है पे पे आपकी आपकी तो वो आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है जी तो कभी भी नेगेटिव चीज के बारे में सोचना जब आप नेगेटिव चीज के बारे सोचोगे तो हंड्रेड एंड वन परसेंट आपके साथ दस ज्यादा नेगेटिव चीजें होंगी तो जब दस ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे सोचोगे तो वो डबल होंगी बीस होंगी तो आप एक सिंगल आपके पास अगर दस नेगेटिव चीज है ना और एक पॉजिटिव चीज है तो मैं आपको बताता हूँ एक पॉजिटिव चीज पे सिर्फ हंड्रेड परसेंट फोकस करें हंड्रेड मतलब हंड्रेड परसेंट फोकस अगर आपने एक पॉजिटिव चीज के ऊपर किया तो आप देखेंगे जो वो दस नेगेटिव चीज थे ना वो आपको मतलब एक तरह से ब्लर हो जाएंगी आपको दिखेंगी नहीं और वो एक पॉजिटिव चीज ही आपको दस बीस गुना हो हो आपके सामने आती रहेगी ये फैक्ट है अगर आप इसको करके देखेंगे तो ठीक है तो तभी मैंने आपको लास्ट जो ट्रेनिंग में बताया था कि दास सीक्रेट मूवी देखें अगर आपने दास सीक्रेट मूवी को फॉलो कर लिया तो आपकी 90 परसेंट लाइफ तो वैसे ही चेंज हो जाएगी आपका समझने का देखने का सोचने का नजरिया वो आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ठीक है जी सो बिकम अ लीडर नॉट अ लूजर अच्छे लीडर बने क्योंकि अच्छा लीडर ही एक कामयाबी का कर...

ठीक है जी तो एक अच्छे लीडर बने ट्रेनिंग लगाए अपनी टीम को ट्रेनिंग दें अच्छी अच्छी चीजें सीखें लॉकडाउन का टाइम है लोग कहते हैं जी हमें टाइम नहीं मिलता था ट्रेनिंग लगाने का आज सारे घर बैठे हैं तो इससे बढ़िया टाइम और क्या हो सकता है यूट्यूब पे इतनी जबरदस्त वीडियोस हैं अगर आप एक महीना दो महीना भी डेली एक घंटा वीडियो देखें पॉजिटिव चीजों के ऊपर मोटिवेशन के ऊपर तो मैं आपको गारंटी लेके कह सकता हूँ आफ्टर लॉकडाउन आप जो पर्सन बन जाओगे ना वो आपको दुनिया देखेगी इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं और जब इस टाइम लोग अपने आप को 90 परसेंट बर्बाद करने पे तुर तुले हुए कोई टिकटॉक बना रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई फालतू की चीजें वीडियोस देख रहा है जिनसे उनके अंदर जो स्किल्स थे वो भी उनके खत्म होते जा रहे हैं लेकिन आप जब छह महीने बाद या दो महीने बाद जब भी लॉकडाउन खुले तो आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हो आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपके और जो पर्सन आए ना वो ये बोले यार तेरे अंदर कितने चेंजेस आ गए ऐसा तू तो ने किया क्या लॉकडाउन के दौरान वहीं से आपका बिजनेस शुरू तो आप, आपको एक वर, आप बोल सकते हो हम जी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लगाते हैं हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं बड़ी इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं तो वहीं से बंदा पूछेगा तो आपका बिजनेस वहां से भी शुरू हो सकता है बात समझ आ रही है जी सो so... ड्रीम को बड़ा करें है ना आपका ड्रीम ही आपके वर्किंग स्टाइल को शो करता है छोटे मोटे ड्रीम लेके आओगे तो यहाँ पे दो चार महीने ही काम करोगे बड़े ड्रीम चाहिए होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप छोटे मोटे पैसों के लिए आए हो तो आप नौकरी भी कर सकते हैं या कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस भी कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं जी इंडस्ट्री ड्रीमर्स की है यहाँ पे सिर्फ ड्रीमर्स ही आते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और सपने लेने में कोई बुराई नहीं है कि लोग कहते हैं यहाँ पे ना सपने दिखाए जाते हैं इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे लोगों को सपने दिखाती है अदरवाइज बाकी इंडस्ट्री लोगों के सपने खत्म करती है बर्बाद करती है आज आपको अगर ये चीज यकीन नहीं होती आज आप अपने पड़ोसी को बोले ना बी एमडब्ल्यू लेनी है वो आप पे हंसेगा आप अपने रिश्तेदार को बोले मैं मैं बड़ा बड़ा बनाऊँ एक बंगला बनाऊ और उसमें चार मेरी गाड़ियां खड़ी हो Mercedes, BMW, OD, तो आपका जो वो भी कोई भी रिश्तेदार वो हंसेगा क्या इसका दिमाग खराब हो गया ये ना सपने होते हैं या कुछ नहीं यकीन सच होता तो नाइनटी लोग आपके सपने किल करेंगे इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है आपको सलूट करना चाहिए इस इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे लीडर्स को जो आपको यहाँ पे सपने देखने भी मूँगफलियां खा रहे हैं सपनों, अगर सपना ही देखना तो अच्छी चीज का देख लो है ना तो सपने जैसे देखोगे आप तो वो पूरे भी होते हैं उनको लिखो और उनके ऊपर काम करो और थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा सा लेके आए क्योंकि देखो अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं कोई भी कि यहाँ पे आप घिसोगे दो महीनों में आपके घर जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा हर चीज को टाइम लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि प्रकृति का नियम है ठीक है जी अगर आ, कहते हैं जी किसी लेडी को या किसी फीमेल को अगर बेबी होता है तो नो मंथ के अंदर ही होता है अगर कोई फीमेल बोले जी मुझे नो मंथ के के अंदर अंदर नहीं करना मुझे एक महीने के अंदर ही करना मुझे महीने ही तो ये पॉसिबल नहीं है तो हर एक इंडस्ट्री में जहां पे सक्सेस मिलती है तो वहां पे टाइम लगता है तो आपको अपने अंदर पेशेंस भी रखने पर मजे वाली बात नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पे तीन तीन चार चार साल मतलब ऑलमोस्ट लगते हैं कामयाब होने में और लगना भी चाहिए नो no डाउट पर यहाँ पे भी आपको इतना तीन -चार साल लगेंगे एक अच्छा सक्सेसफुल बनने के लिए लेकिन उस तीन चार साल के दौरान भी यहाँ पे आप इतनी सारी अर्निंग कर लेते हैं जो आप देखते हैं कि हर दो चार दिन बाद हफ्ते बाद आपको यहाँ पे कोई ना कोई इनकम या आउट आपके यहाँ पे आते रहते हैं तो अपने अंदर एक तरह का पेशेंस बनाए रखें कि यार आज नहीं तो कल मैं जरूर सक्सेसफुल होंगे और उसके ऊपर काम करते डिटरमाइंड रहे काम करें ऐसा नहीं है कि आज यहां काम किया 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 दो तीन महीने महीने चार वहां पांच साल और पीछे मुड़ के देखा जी पांच साल में बना कुछ नहीं एक ही प्लेटफॉर्म को चूज करें अगर आपको लगता है सी एफ में बहुत अच्छी हमारी फ्यूचर बन सकता है अर्निंग बहुत अच्छी ले सकते हैं तो आप यहाँ पे अपना मैक्सिमम एक दो साल दबा के दें और एक दो साल के बाद देखे कि मेरी टोटल मैंने यहां से है। अगर मैं कोई और करता, कोई करता तो अपलाइन uh, जो है आपकी वो आपकी अपलाइन ही है चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है अपलाइन ने आपके ऊपर इतना बड़ा एक एहसान कर दिया है कि आपको इस सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा मेरी जो लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छ साल की थी जो जिस कंपनी में जो मेरी अपलाइन थी उसने मुझे उस सिस्टम के साथ जोड़ दिया था और मेरी उसके साथ बिल्कुल भी एक परसेंट नहीं बनती थी क्योंकि वो इतना मूर्ख बंदा था मैं यही कहूंगा क्योंकि उसको ना मतलब उसको नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर ही नहीं हुई आज तक नहीं क्लियर हुई वो आज तक कामयाब भी नहीं हुआ उसे छह सात साल हो वहीं पे काम कर रहा है अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं है सो जो मेरी अपलाइन थी मैंने कभी भी उसके बारे मतलब बुरा नहीं सोचा कहीं ना कहीं जो भी उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है ना जो भी whatever, मैं बताना नहीं चाहता बहुत बुरा किया वो कई मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं पर मैं कहीं ना कहीं कही एक चीज का रिगार्ड करता था कि है तो मेरी अपलाइन ही ना जैसी भी है पर है अपलाइन क्यों क्योंकि इसने मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया जो लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट कैसे के भगवान ने ही इसको मेरी लाइफ में भेजा और ये अपॉर्चुनिटीज के थ्रू भेजी तो मैं उसका कहीं ना कहीं थैंक यू करता हूं कि उसकी बदौलत बदौलत आज आज मुझे इतनी सारी लर्निंग्स मिली उसकी आज मैंने इतना पैसा भी कमाया था उसकी बदौलत मैंने गाड़ी ली है ना तो उसका मैं कहीं ना कहीं थैंक्स करता हूँ तो आपको भी अपने अपलाइन का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आपको दुनिया का सबसे बड़ा एहसान कर दिया कि इतने वंडरफुल के साथ ज्वाइन करा दिया पर लोग यहाँ पे क्या कहते हैं Sorry to say, लोग यहां पे क्या कहते हैं, जो मैंने साल के experience में देखा, ने करा दिया, का तो है, को को निचोड़ो, को खाओ, की जितनी कमाई है वो सारी उड़ाओ अपलाइन को बोलो हमारे लिए ये कर अपलाइन को बोलो वो कर अपलाइन को बोलो ये वो वो तो यार वो अपलाइन को ऐसे खा जाते हैं मतलब अपलाइन को ये देखते हैं कि यार हम ही इसको शायद बिजनेस करके दे रहे हैं यार अपलाइन के पास बहुत है हाँ ना हमारे पास बेशक अपलाइन एक है लेकिन अपलाइन के पास डाउनलाइन हजारों में भी हो सकती है लाखों में भी हो सकती है ठीक है जी तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है अगर आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपनी अपलाइन के साथ ऐसे करेंगे तो आप भी किसी ना किसी की अपलाइन बनने वाले हैं तो ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है तो आपके साथ भी सेम ऐसा ही होगा सो तो इस चीज का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें अपनी टीम के सामने कभी भी अपनी अपलाइन की मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करें कि मेरी अपलाइन कंप्लेंट्स ना करें चाहे आपको अगर कुछ पर्सनली आता तो आप पर्सनली अपनी अपलाइन को बोल सकते हैं देखो सर ऐसे-ऐसे कोई प्रॉब्लम है आपने मुझे ये बोला पर अपनी टीम के साथ कभी भी आप अगर अपनी अपलाइन की या फिर कुछ निंदा चुगली करेंगे तो वो जो 50 100 बंदों की टीम थी वो आपकी टीम डे बाय डे देखोगे आप कि दिमक लग जाता है जैसे लकड़ी में लकड़ी खोखली होनी शुरू हो जाती है तो आपकी टीम भी देखो मतलब तो थोड़े थोड़े टाइम बाद छोड़नी शुरू हो जाएगी वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी ठीक है जी डोंट आर्ग्यू थ्री थिंग्स बिजनेस के दौरान कभी भी तीन चीजों के ऊपर आर्ग्यू मत करें वो तीन चीजें होती है थ्री जी. थ्री जी क्या है जी पहली गर्ल लोग बिजनेस करते करते ना गर्ल के ऊपर मतलब लड़की के ऊपर भी कई भैंसबाजी शुरू कर, कर देते हैं तो हमें ऐसा काम नहीं करना सेकंड जी है जी गॉड अब मान लो मैं हिंदू हूँ मैंने किसी कॉल को किया वो मुस्लिम है तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ उनको प्लान शो कर रहा हूँ तो बाद में पता लगा मैंने कहा आप मुस्लिम हो वो कहता हाँ जी कहा मैं हिंदू हूँ हमारा धर्म ऐसे होता है वो कहता नहीं नहीं हमारे धर्म ऐसे होते हैं कहीं मैंने क्रिश्चियन को फोन कर दिया वो कहते नहीं तो हमें कभी भी किसी के रिलीजन के ऊपर कभी भी आर्ग्यू नहीं करना अगर मैंने मैं, मैं मान लो सिख हूँ मैंने किसी को फोन किया मेरे सामने कोई मुस्लिम भाई बात कर रहा था तो मैं कहूंगा ओके जी बहुत बढ़िया है, जी। हाँ जी, है लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसी भैंस के चक्कर में अपना बिजनेस खराब कर लेते जी वो तो जी क्रिश्चियन था वो मेरे भगवान को ऐसे बोल रहा था मैंने बोला वो हाईली पॉजिटिव था सर वो प्लान कहता जी मैं करूंगा पर सर उसने मेरे भगवान को ऐसे बोला मैंने उसके भगवान को बोल दिया यार भगवान एक है आप सभी को पता है कि भगवान एक है लोग उनको अलग अलग धर्मों से मानते हैं ना, तो भगवान तो एक ही है तो हमें कभी भी इसके बारे आर्गू नहीं करनी और थर्ड चीज जी जो है वो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऊपर लोग आर्ग्यू शुरू कर देते हैं देने जाते हैं प्लान फोन पे देते हैं मीटिंग्स पर आर्ग्यू शुरू कर देते हैं इन चीजों के ऊपर कि आज सरकार ये है कि सरकार ने वो कर दिया सरकार को यह नहीं करना चाहिए था मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं। सरकार चाहे चाहे आज कोई भी आए, चाहे कोई भी भी आए थी चाहे कोई भी आए आपके घर में फ्री में राशन कोई नहीं डालेगा आपको खुद काम करके खाना पड़ेगा और अपने फैमिली को अपने बच्चों को खिलाना पड़ेगा समझ आ रही है आज लॉकडाउन के दौरान भी सरकार आप

ठीक है जी ये यूजलेस टॉक है जिनका कोई भी मुद्दा नहीं है जिनका आपका कुछ नहीं हो सकता या तो आपने इलेक्शन लड़ने हो तो वहां तो आप बात कर सकते हैं अदरवाइज हम अपना टाइम वेस्ट करें तो तीन चीजों के ऊपर जो आपको थ्री जी बताए हैं मैंने अपना थ्री जी के ऊपर कभी टाइम वेस्ट मत करें पहली गर्ल और दूसरा गॉड और तीसरा गवर्नमेंट ये तीन जी हैं इनको आप चाहे नोट डाउन कर ले और अपनी टीम्स को ये ट्रेनिंग दे जो आपके अभी कोई टीम वाले हैं जो ट्रेनिंग नहीं लगा पाए हैं तो उनको जरूर आप ये ट्रेनिंग दें डोंट एक्सपेक्ट टू शोट एक्सपेक्ट शो द प्लान है ना एक, जब भी आप ज्वाइन करते हैं अपने नए पर्सन को ये गाइड जरूर करें कि इतनी जल्दी एक्सपेक्ट करें जितनी जल्दी एक्सपेक्ट मत करें, करें यहाँ पे कामयाब होने की उनको सिर्फ एक ही एक्सपेक्ट सॉरी एक्सपेक्टेशन एक्षपेक्टे, दे के यार आपने मैक्सिमम प्लान शो करने अगर आप ये expectation भाई तेरे चार 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 के हो चार हो जाएंगे तो वो negative हो जाएगा ठीक है जी कॉन्फिडेंस और बिलीफ आपका अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है आपने बहुत सारी ट्रेनिंग लगाई है तो दैट्स इट वेरी गुड है ना बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्रेनिंग लगाई सब कुछ आपको बहुत अच्छी नॉलेज है अबाउट नेटवर्क uh, yeah, ना पर वो नॉलेज आपकी बेकार है जब तक आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और जब तक आपके अंदर विश्वास आपका बिलीफ लेवल नहीं है स्ट्रॉन्ग तो आपकी वो नॉलेज का कोई फायदा नहीं है तो सबसे पहले आप अपने नॉलेज के साथ साथ अपना सेल्फ बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जिसके साथ कॉल पे भी बात करते हैं अगर आपको किसको इनवाइट आप कर रहे हैं, या फिर किसको कर रहे हैं हां जी ब्रदर ऐसे हाँ एक बार देख लो ट्राई करके मतलब मैंने भी किया ट्राई मैं भी देख ही रहा हूँ आप भी देख लो क्या पता आपके पैसे बन जाए अब आप, आप खुद सोचिए ऐसे के साथ ज्वाइन होगा बंदा कहेगा ये कहीं डूबा हुआ है ये मेरे को भी डुबाएगा ठोक बजा के बोले मैं एक बहुत बड़े वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा हूँ इंडिया में हम एक्सपैंड कर रहे हैं हमें कुछ अच्छे लीड्स चाहिए अच्छे लीडर चाहिए और जिनको हम यहाँ पे महीने का पचास साठ हजार माना भी सिखा सकते हैं लाख कमाना भी सिखा सकते हैं ऑलरेडी कमा रहे हैं हमारे साथ लोग तो हमें आप बताएं कि आपकी लिस्ट में हमें हर एक पांच दस दस परसन कुछ अच्छे लीडर्स शॉर्ट लिस्ट करने हैं तो अभी हम पांच कर चुके हैं पांच हमारी लिस्ट में पेंडिंग है तो आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा और आपके लगा कि आपके ड्रीम्स आप काफी दमदार पर्सन हो तो आप आप जरूर हमारी मीटिंग में आए और मीटिंग अटेंड करो मुझे विश्वास है कि आप छे महीने में यहाँ पे रोक कर देंगे तो जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे ना तब बंदा कहेगा यार इसका बंदे के अंदर दम कहता है वो आपकी मतलब आपका बिजनेस प्रोजेक्ट देख के नहीं सबसे पहले आपको देख के ज्वाइन होता है वो ये मैं पहले भी आपको ट्रेनिंग में बोल चुका हूँ और बिलीफ विश्वास रखें खुद के ऊपर अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मेरा कुछ बनेगा तो आप लोगों को विश्वास कैसे दिला देंगे यहाँ पे अगर आपको खुद डाउट हो कि यार मैं यहाँ पे कामयाब होऊंगा तो आप चाहे सौ हजार लोगों को बता दो वो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आप अभी खुद डाउटफुल हो आपको खुद अभी शक है अपने ऊपर कि मैं कामयाब होऊंगा जब आपको 100 परसेंट क्लियर कट हो गया ना ना पे जैसे जैसे बिल्कुल साफ पानी होता है है पूरा पारदर्शी दिखता है। ऐसे अगर आपको, आपको फ्यूचर दिख गया ना वो क्लियर कट के मेरा क्या फ्यूचर है तभी आप बंदों को कॉल या आंखों में आखिर डाल बोल सकते हो कि ब्रदर एक साल बाद मैं यहाँ पे ये करूंगा दो साल बाद ये होगा तभी बंदा आपकी कॉन्फिडेंस और आपके बिलीफ के साथ आपके साथ ज्वाइन करेगा ठीक है जी फोकस ऑन टारगेट्स, ड्रीम्स अचीवमेंट्स नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स अपने ड्रीम्स के ऊपर अपने टारगेट्स के ऊपर और अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करें सिर्फ और सिर्फ ऑब्स्टेकल्स के ऊपर मत करें लॉकडाउन आ गया जी नोटबंदी होगी जी ये हो गया जी वो हो गया ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं इनके ऊपर फोकस नहीं करना हमें ये ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएंगे हमें फोकस करना है टारगेट के ऊपर के मेरा क्या टारगेट था मुझे तो वो अचीव करना है चाहे लॉकडाउन हो चाहे वट एवर जो भी हो ये हो वो हो और ड्रीम्स मेरे सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं मैं कितनी इनकम चाह रहा हूँ वो आ रही है काम चल रहा है और अचीवमेंट्स के ऊपर के मैं अचीवमेंट ले रहा हूँ जब ये तीन चीजों के ऊपर आप फोकस करोगे तब आसात लोग जुड़ना शुरू होंगे जब आप सिर्फ ऑब्स्टेकल्स के ऊपर ही फोकस करोगे सो लोगों को फोन करोगे जी ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है पर यार यहाँ ना लॉकडाउन के दौरान ना काम नहीं चल रहा लॉकडाउन के दौरान ना यहाँ हमारे साथ बंदे नहीं जोड़ रहे तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है जी तो ऑब्सटेकल्स के ऊपर फोकस ना करें टारगेट ड्रीम्स और अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करें और बाकी यही कुछ पॉइंट थे जो मतलब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक हो टाइम मैंने ज्यादा ले लिया आपको अच्छे से समझ आया हो और हंड्रेड परसेंट फॉलो करें इन इन जो जो आपको ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि ये वो ट्रेनिंग है जो हमारा निचोड़ है हमने मतलब लगा के चलो कि छे सालों में जो सीखा है छे सात सालों में नेटवर्क मार्केटिंग से तो वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी यहाँ पे ग्रो करें आपको भी जो गलतियां हमने की हैं, वो गलतियां पे आप ना ठीक है क्योंकि हमने गलतियां करके अपना टाइम बहुत वेस्ट किया सो so बाकी मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक और मतलब तो गुड विशेष हैं सभी को कि सब अच्छा काम करें लॉकडाउन के दौरान घर बैठे काम करें ऑनलाइन काम करें और अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स ले और अपने सपने पूरे करें